हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल AJ टीचर्स एकेडमी पर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए यूपी टेट के लिए जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है वो लेकर के आया हूँ। लगातार मैं आप सभी को इसी तरह के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर जुड़ना मत भूलें। और साथ ही साथ मैं आपको बचे हुए जो आपके 10 से 12 दिन बचे हुए हैं इसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, और इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। बिल्कुल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाने वाला हूँ। तो सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इसका जवाब देते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने ये रहा कि सांप्रदायिकता में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में, तो सांप्रदायिकता की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ। किसका दोस्तों? ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 36 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। ध्यान से देखिए यहाँ पर कह रहा है कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में सर? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ए के बारे में। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं ए, तो ये संयुक्त स्वर है। ये आ और प्लस छोटा ए जो होता है ए, ये दोनों मिलकर के बना हुआ है, तो ये संयुक्त स्वर है। इसके अलावा आपके और जो बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ दिया गया है, ये सारे के सारे आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्पर्श व्यंजन के बारे में, तो याद रखिएगा स्पर्श व्यंजन क्या होता है आपका, जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं या के बारे में, तो जो आपका या है ये आपका स्पर्श व्यंजन नहीं है, ये बेसिकली आपका एक अंतःस्थ व्यंजन है। और इसके अलावा ग फा और चा ये आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। वैसे स्पर्श व्यंजन टोटल 25 होते हैं, का से लेकर मा तक, याद रखिएगा। और जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओठ आदि स्थानों के स्पर्श से होता है वो आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर है? स्पर्श व्यंजन अलग है, स्पर्श संघर्षी या उष्म संघर्षी आपके अलग है, तो दोनों में डिफरेंस, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि तद्भव और तत्सम के गलत युग्मों को छाटिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ध्यान से देखिएगा, घड़ा और घोटक दिया गया है। तो घड़ा शब्द का तत्सम घोटक नहीं होता दोस्तों, घट होता है, याद रखिएगा। घड़ा का जो तत्सम होता है तो आपका क्या होता है दोस्तों? आपका घट होता है। इसके अलावा और सारे यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है, अखरोट, अछोर, इसके अलावा यहाँ पर तीखा, तीक्ष, पीला, पीत। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है अवनत का विलोम क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, अवनत इसका विलोम दोस्तों आपका क्या होता है? उन्नत होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवनत का विलोम उन्नत होता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 40 कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि मधुवन की छाती देखो सूखी कितनी कलियाँ। इस पंक्ति में आपको बताना अलंकार कौन सा है। मधुवन की छाती देखो सूखी कितनी कलियाँ, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्यों होगा दोस्तों? यहाँ पर श्लेष अलंकार इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर कलिया जो शब्द है उसका एक बार प्रयोग हुआ। कलिया जो शब्द है उसका देखा जाए तो एक बार प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके दो अर्थ निकलते हैं। इसका एक अर्थ निकलता है फूल के खिलने से पहले की जो स्थिति होती है यानी कि कली, और दूसरा अर्थ होता है यौवन से पहले की अवस्था को। तो यहाँ पर दोनों मतलब अर्थ जो है यहाँ पर सम्मिलित हैं, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है श्लेष यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? परिणाम, प्याज, पुरस्कार और परीक्षा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो परीक्षा, याद रखिए दोस्तों परीक्षा जो है दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द हैं, और आपके जो और तीनों दिए गए हैं वो आपके पुल्लिंग शब्द हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 42 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है। तो भाई सदैव जो एक वचन में प्रयोग होता है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो क्षमा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्षमा के बारे में, तो क्षमा शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। क्लियर है? इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में जो वह है वो कौन सा विशेषण है। अगर हम बात करते हैं वह के बारे में, तो ये कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें वह के बारे में, तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण है। यह, वह, कोई, ऐसा, जैसा, कैसा, ये जो आपके शब्द होते हैं हमेशा सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। सार्वनामिक विशेषण आपके दो तरह के होते हैं, एक आपका मौलिक विशेषण, एक आपका यौगिक विशेषण, दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि यह पुस्तक मुझे पढ़नी चाहिए, इस वाक्य में किस क्रिया का बोध हो रहा है। यह पुस्तक मुझे पढ़नी चाहिए यानी कि इस वाक्य में देखा जाए तो आवश्यकता बोधक यानी कि पढ़नी चाहिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? आवश्यकता बोधक क्रिया है। और जिस वाक्य में कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो वहां पर आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया होती है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है। पूर्ण भूतकाल यानी कि भूतकाल में कोई काम पूरा हो चुका हो, तो भाई किसान खेतों की सिंचाई कर रहे थे, लेकिन ये देखा जाए तो पूर्ण भूतकाल नहीं है, अभी भूतकाल में कार्य हो रहा है, पूर्ण है। मैंने एक बार पढ़ा है, अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, मैंने एक बार पढ़ा है, तो ये आपका
आसन्न भूतकाल का है, मैंने एक बार क्या है पढ़ा है आसन्न भूतकाल है, और ट्रेन गई इसकी बात करते हो तो ये आपका सामान्य भूतकाल का है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था चुका था चुकी थी, ये सारी जो आपके अंत में आ जाए तो आपका पूर्ण भूतकाल का उदाहरण होता है, तो ऑप्शन जो इसका डी है करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि माता जी से उठा बैठा नहीं जाता, इस वाक्य में भाववाची से कृतवाची में कैसे परिवर्तन होगा, यानी कि यहाँ पर लिखा गया है माता जी से उठा बैठा नहीं जाता, ये भाववाची का उदाहरण है, इसको हमें कृतवाची में बदलना है, यानी कि कर्ता की प्रधानता दिखानी है, तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे बदलेंगे कि भैया माता जी उठ बैठ नहीं सकती हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बात करते हैं डी के बारे में, माता जी उठ बैठ नहीं सकती हैं, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा कृतवाची में बदल जाएगा, क्लियर है। 47 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यहाँ पर अन्वय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अन्वय की अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो भैया अनु प्लस अय, याद रखिएगा अनु प्लस अय, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा, और अनु प्लस अय मिलके अन्वय हो रहा है, यानी कि आपका ये यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है महात्मा में कौन सा समास है, महात्मा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर महात्मा में कर्मधारय समास है, कौन सा दोस्तों आपका कर्मधारय समास है, इसका विग्रह कैसे होगा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा वो होता है महात्मा, यानी कि यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा, क्लियर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 49 कह रहा है कि किस वाक्य में अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, अर्ध विराम चिन्ह की बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला है कठिन परिश्रम करो, तो यहीं पर देखो आपके अर्ध विराम चिन्ह का यूज हो गया है, तो यहीं पर हम लोग कह देंगे ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है इस वाले ऑप्शन में अर्ध विराम चिन्ह का जो प्रयोग है किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ आते हैं तो कह रहा है निम्नलिखित मुहावरे और उनके अर्थ में कौन सा युग्म सही नहीं है, बताइए सर निम्नलिखित मुहावरे उनके अर्थ में बताना कौन सा युग्म सही नहीं है, तो सोने पे सुहागा अत्यधिक गुणवान, तो सोने पे सुहागा अत्यधिक गुणवान बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा बालू से तेल निकालना यानी कि असंभव कार्य करना, इसके अलावा धूप में बाल सफ़ेद करना यानी कि वृद्धावस्था के लक्षण, तो यहाँ पर देखा जाए तो भाई धूप में बाल सफ़ेद करना इसका अर्थ होता है अनुभवहीन होना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा गलत युग्म हो जाएगा, क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित रचना उनके रचनाकार में से कौन सा युग्म सही है, यहाँ पर बताना कौन सा सही है, तो वैदेही वनवास, देखो वैदेही वनवास की बात करते हैं तो ये अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय जी के तुलसीदास जी की नहीं है, राम की शक्ति पूजा ये दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है, इसके अलावा प्रेम वाटिका जो है ये रसखान जी की कृति है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कृति नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डी के बारे में प्रेम फुलवारी ये दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो कह रहा है कि प्रेमचंद्र जी का कौन सा उपन्यास अधूरा है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं अधूरे उपन्यास के बारे में तो प्रेमचंद्र जी एक उपन्यास लिख रहे थे जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसके पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, उस उपन्यास का नाम था मंगलसूत्र, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसको पूरा किया था किसने, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, तो इसको मंगलसूत्र को उनके पुत्र ने पूरा किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वसुधा का समानार्थी है, वसुधा का समानार्थी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वसुधा के बारे में तो वसुधा जो है पृथ्वी का समानार्थी है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उन्मुख का विलोम क्या हो जाएगा, उन्मुख भाई उन्मुख की बारे में बात करते हैं तो उन्मुख का जो विलोम हो जाएगा विमुख हो जाएगा, दोस्तों यहां पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह 55 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लेखक और उनकी रचना का कौन सा युग्म गलत है, गलत युग्म की बात हो रही है यहाँ पर, तो देखिए पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त भरत भारती, तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल सही है भाई, मैथिली शरण गुप्त और भरत भारती की बात करते हैं तो ये सही है। और इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र, तो ये भी बिल्कुल सही है। सुमित्रा नंदन पंत पल्लव ये भी सही है, लेकिन हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज रासो गलत है भाई, सबको पता है पृथ्वीराज रासो चंदरबर दाई जी के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर गलत युग्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि उच्चारण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, भाई उत प्लस चारण मिलके बनता है उच्चारण, तो जो पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, तो यहाँ पर उत उपसर्ग का ऑप्शन नंबर जो इसका डी है उत उपसर्ग वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द विशेषण है, चार ऑप्शन है रोम रुचिर रुचि और रूढ़ी, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका विशेषण की बात कर रहा है ना, विशेषण मतलब जिसकी जिससे विशेषता बताई किसी की विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है, यानी कि यहाँ पर रुचिर की बात करते हैं तो रुचिर आपका विशेषण शब्द है, जबकि रोम रुचि और रूढ़ी ये आपके विशेष शब्द हैं, क्लियर है। विशेष आपका संज्ञा सर्वनाम कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि गंगा भारत की पवित्र नदी है,
वाक्य में गंगा क्या है। अब गंगा की बात करते संज्ञा तो है, लेकिन कौन सी संज्ञा है? अब देखो गंगा एक है, यानी कि गंगा एक है, तो जब भी कोई चीज़ अकेली होती है, पर्सनल होती है, वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पर पूछा गया होता कि नदी कौन सी संज्ञा है, तो नदी दोस्तों आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर गंगा के बारे में पूछा गया तो आपका व्यक्तिवाचक है। भारत के बारे में बोला गया होता तो आपका भारत भी एक ही, तो आपका वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कह रहा है अंबुज और अंबुद के अर्थ क्या हो जाएंगे। अंबुज का मतलब क्या होता है, अंबुद का मतलब क्या होता है? भैया अंबुज का मतलब होता है कमल और अंबुद का अर्थ होता है बादल। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है कमल और बादल, वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, ध्यान से देखिएगा। उत्क्षिप्त व्यंजन बताना आपको यहाँ पर कौन सा है। उत्क्षिप्त व्यंजन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उत्क्षिप्त व्यंजन आपके दो होते हैं, अड़ा और ढा, याद रखिएगा अड़ा और ढा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, तो दो ही होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इन व्यंजनों का जो विकास है बेसिकली अपभ्रंश से हुआ है, जहाँ से या हिंदी में ग्रहण किया गया है, और इनके उच्चारण में जो जीभ का ऊपरी भाग है वो उठकर मूर्धा को स्पर्श करता है और त्वरित गति से नीचे की ओर गिरता है, अड़ा आप इसको बोल के देखिएगा, और इसी कारण को उत्क्षिप्त बोला जाता है। इसका पीडीएफ विद आंसर की के साथ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो यार शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, बहुत कम दिन बचा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और हिंदी के अलावा बाल विकास, पर्यावरण, और मैं आपको मैथ की वीडियोज भी प्रोवाइड करता रहूँगा पूरे 10 दिन तक। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।